हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि मेरा व्यू बुलिश है और 10,400 तक के टारगेट्स है। आप देख सकते हो कि काफी अच्छा आपको हमें देखने को मिला है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जरूर है 10,300 के आसपास, बट 10,300 अगर क्रॉस कर लेता है तो मुझे लगता है यहाँ से 10,500 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन बनता है, आप देख सकते हो। तो 10,500, 10,600 ये टारगेट्स आते हैं। सो 10,300 अगर क्रॉस कर लेता है तो डेफिनेटली फिर नेक्स्ट टारगेट है 10,500, 10,600। सो कल कहाँ ओपन होते हैं वो देखते हैं। अगर 10,300 के ऊपर क्रॉस कर लेते हैं तो डेफिनेटली 10,500 टारगेट्स होगा, और अगर 10,300 के नीचे खुलता है 10,200 या 150 तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। सो थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा कल के सेशन में। अभी फिलहाल व्यू बुलिश है, लेकिन अगर गैप डाउन हुआ तो व्यू चेंज हो सकता है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें, बैंक निफ्टी भी मेरा व्यू बुलिश है और बैंक निफ्टी मेरे टारगेट्स आते हैं 22,000। सो अभी भी व्यू बुलिश ही है और 21,000 के आसपास कोई भी डिप मिलता है तो काफी अच्छा बाय रहेगा 22,000 के टारगेट्स के लिए। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लुपिन सेल दिया था, वो कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस के आसपास ही था, 915 के आसपास मैंने सेल दिया था। अदानी पोर्ट मैंने 350 के आसपास बाय दिया था। अदानी पोर्ट भी अगर आप देखो 355 तक जाके आया, इसमें फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद 350 के आसपास ही क्लोज हुआ है, तो इसमें एक इंट्राडे में स्मॉल प्रॉफिट बना। अमर राजा बैटरी मैंने आपको बाय दिया था 686 के ऊपर, और इसमें जो बाय लेवल है वो ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि हाई है 685 का। ये कॉल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिए थे। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा ग्रासिम। ग्रासिम अगर आप देखो 600 के ऊपर क्लोज हुआ है, ये एक्चुअली मॉक ट्रेडिंग था, सैटरडे को उसका कैंडल है, 600 के ऊपर क्लोज हुआ राउंड ऑफ नंबर और एक अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है, और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। तो ग्रासिम में एक स्ट्रॉन्ग अपो हमें देखने को मिल सकता है 600 के ऊपर, ये काफी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ अगर आप देखो ट्राइंगल फॉर्मेशन कर रहा है ये, एंड मुझे लगता है यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट दे देता है 540 के ऊपर तो एक स्ट्रॉन्ग अपू हमें देखने को मिल सकता है, 600 तक के टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी लाइफ काफी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा एनआईटी टेक। एनआईटी टेक अगर आप देखो तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसने 50 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है। एनआईटी टेक में करंट लेवल पे काफी अच्छा शॉर्ट ट्रेड बनता है इंट्राडे के लिए एंड पोजिशनल दोनों के लिए, तो एनआईटी टेक काफी अच्छा शॉर्ट ट्रेड रहेगा। ये था एनालिसिस कल के सेशन के लिए। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।